अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किए थे बटन बटन के क्वेश्चन आंसर्स, पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके सिनोनिम्स। राइट, अब सिनोनिम बेसिकली क्या होते हैं कि जो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन एक वर्ड है तो उसके आगे सेम मीनिंग्स और भी हो सकते हैं। राइट, आज हम क्या करेंगे, सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे और ये पेपर में आपके 10 नंबर के आते हैं। राइट, और इन सिनोनिम्स का बेनिफिट आपको ये होगा, एक तो आपके वोकैबुलरी में इजाफा होगा और दूसरा जब ये वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता चल जाएंगे तो आपको ट्रांसलेशन में काफी हेल्पफुल होंगे। अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले बटन बटन के सिनोनिम्स लिखने, और आपने क्या करना होगा, आपके पास नोटबुक भी होनी चाहिए, बार कोड भी होनी चाहिए, और जब भी मतलब जो जो वर्ड्स बोले जाए उनको सुनना भी आपके लाजमी है और साथ साथ नोट भी करना है ताकि आपको लेक्चर सुनते सुनते ही याद हो जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन जितनी आपकी होगी वीडियो सुनने में उतना ही आपको अच्छे तरीके से ये सिनोनिम समझ आ जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ, पहला सिनोनिम है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है पैकेज। पैकेज, पैकेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, प्लंता, इनके पैकेट, उसका पैकेज उर्दू में भी लिखा जाता है, तो इसको उर्दू में यहाँ पर भी लिख देता हूँ प्लंता। आप पैकेट भी लिख सकते हैं, पैकेज एज इट इज भी लिख सकते हैं। इसकी जब सिनोनिम्स की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले इसका आप लिखेंगे पार्सल, और उसके बाद इसका लिख देंगे आप बंडल, पार्सल, और इसके बाद इसका लिख देंगे आप बंडल। और उसके बाद मैं मूव कर रहा हूं आपको नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ, वो है कार्टन, कार्टन। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, डब्बा, और इसको आप इसके सिनोनिम लिखेंगे आप केस, और उसके साथ आप लिख सकते हैं पैक, यानी कि कार्टन इसके क्या हुआ डब्बा, उसके बाद केस और पैक इसके क्या है सिनोनिम्स। अब मैं मूव कर रहा हूं आपको नेक्स्ट सिनोनिम्स की तरफ, वो है चोर्स, इसका मतलब होता है टुकड़े, और इसके आप सिनोनिम में लिखेंगे पीसेस, बिट्स, स्लाइसेस, SLICES, ये इसके क्या है सिनोनिम्स। राइट, उसके बाद मैं मूव कर रहा हूं आपको नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो क्या है फासन, FASPENED, फासन, इसका मतलब क्या होता है बंधा हुआ, इनके बंद दूसरे लफ्ज में बंधा हुआ या फिर बंद, तो इसके सिनोनिम्स में आप लिखेंगे सील, सील आप लिखेंगे, और इसके बाद आप लिख देंगे इसका पिन, PINNED, और मजीद आप लिखना चाहें अटैच भी होता है, फिक्स भी होता है, अफिक्स भी होता है, राइट, अनेक्स्ट भी होता है, राइट, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ दो जहन में रखें, ये बहुत मशहूर है जो पेपर में आपसे आते रहते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कवर, COVER, कवर, कवर का मतलब होता है बेसिकली ढांपना, तो इसके सिनोनिम में आप क्या लिखेंगे, कवर हो गया ढांपना, और इसके सिनोनिम में आप लिखेंगे इनवेलप, इनवेलप के बाद आप इसका लिख सकते हैं क्लोक, CLOAK, क्लोक। उसके बाद मूव कर रहा हूं नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ, वो क्या वर्ड है रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड की बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है कि जब नॉर्मन ने अपनी स्माइल को रिप्रेस किया था, रिप्रेस्ड का क्या है दबा लेना या दबी हुई, यहाँ पे क्या होगा दबी हुई, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग लिखा है दबी हुई, तो इसका आप लिख सकते हैं कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड के बाद आप इसका लिख सकते हैं कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड के बाद आप इसका लिख सकते हैं स्टॉप, स्टॉप के बाद अगर आप लिखना चाहें वर्ड तो वो आप ओवरकम लिख सकते हैं। राइट, तो उसके बाद ये बेसिकली हमारे पास जो वर्ड्स हैं आपके सामने हैं, और अभी मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो क्या है बेसिकली ऑफेंसिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है जारहाना, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है जारहाना, यानी कि जारहाना इन सेंस कि ये गुस्सा, नाराज, नाराजगी के सेंस में या गुस्से के सेंस में ये चीज आ जाती है ऑफेंसिव। इसका आप लिखेंगे अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट पेपर में अक्सर आता रहता है इसके सिनोनिम जब बात होती है अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट के बाद
इरिटेटिंग राइट। अभी मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो क्या है फ्रॉम, एफ एल आर ओ डब्ल्यू एन ई डी फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है तैवरी, तैवरी चढ़ाना या तैवरी चढ़ी हुई, ठीक है। और उसके इसके सिनोनिम में आप लिखेंगे, इसके सिनोनिम में आप लिखेंगे स्काउल्ड, एस सी ओ डब्ल्यू एल ई डी स्काउल्ड। उसके बाद मजीद आप इसका लिख सकते हैं मजीद आप इसका लिख सकते हैं स्टेव और ग्लेव, जी एल ए आर ई डी। ये तीन वो वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम में अक्सर पेपर में ये रिपीट हुए हैं राइट। तो आप इन तीन वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और मजीद वर्ड्स भी आप सर्च आउट कर सकते हैं राइट। और उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ आपको नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो क्या है मोंटेरियन, एम ओ एन ई टी ए आर आई एल वाई, मोंटेरियन का मतलब क्या होता है माली तौर पर यानी कि फाइनेंशियल, इसका क्या लिखेंगे आप माली तौर पर मोंटेरियन, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फाइनेंशियल, एफ आई एन ए एन सी आई ए डबल एल फाइनेंशियल, फाइनेंशियली के बाद इसका आप फिजिकल लिख सकते हैं एफ आई एस सी ए एन फिजिकल राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट मूव करता हूँ, नेक्स्ट वर्ड है थ्रस्ट, टी एच आर यू टी एच आर यू एस टी, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है इनके थमा देना इनके दे देना, इनके दूसरे लफ्जों में आप किसी के हाथ में कोई चीज तेजी से इनके दे देना फेंक देना, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इसका यहाँ पे इसके मीनिंग आप लिख सकते हैं थमाना इनके दे देना, इसके मीनिंग में आप लिख सकते हैं पोक और आप लिख सकते हैं थ्रो, थ्रो के साथ आप लिख सकते हैं इसका मजीद एक वर्ड पुश राइट। उसके बाद मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो क्या है अपेलेट, अपेलेट ये बहुत मशहूर वर्ड है, ये पेपर्स में रिपीटेडली आता है वर्ड अपेलेट, ए डबल बी ए डबल एल ई डी अपेलेट, इसका मतलब होता है खौफ ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है खौफ ज्यादा या फिर दहशत ज्यादा, तो इसका आप देख सकते हैं टेरिफाइड, टेरिफाइड के बाद आप लिख सकते हैं स्केयर्ड, उसके बाद हॉरिफाइड लिख सकते हैं आप इसका। और इसके बाद नेक्स्ट मूव कर रहा हूं आपको, नेक्स्ट वर्ड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यूरियस, सी यू आर आई ओ यू एस क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है मुतजस्सस यानी तजस्सस करने वाला, तो इसके सिनोनिम्स भी आप मुतजस्सस, इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद आप लिख सकते हैं कीन, कीन के बाद आप लिख सकते हैं ईगर, ई ए जी ई आर ईगर, ये वो वर्ड्स हैं जो इसके जब पेपर में सिनोनिम आ जाता है तो वर्ड क्यों कैसा आ जाता है, तो इसके सिनोनिम्स में अक्सर ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके मजीद भी सिनोनिम्स आप सर्च आउट कर सकते हैं, मुझे लगातार आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड के लिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है इंट्रीग, इंट्रीग का बेसिकली मतलब क्या होता है उकसाना, इंट्रीग इसका मतलब क्या है उकसाना, इंट्रीग। और इसके सिनोनिम्स में आप लिखेंगे एक इसका होता है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट और दूसरा वर्ड इसका आप लिख सकते हैं स्टर, और मजीद अगर आप लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं अराउज, और इसका मोटिवेट भी होता है राइट। और अब मैं मूव कर रहा हूं आपको नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो क्या है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक ई डबल सी ई एन टी आर आई सी, एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है अजीब, एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है अजीब, अजीब दूसरे लफ्ज़ इसको एक्सेंट्रिक मिले नहीं जब कहा गया था तो वहां पे अजीब के साथ साथ इसका जो दूसरा मीनिंग बन रहा था पागल भी बन रहा था राइट। तो अब क्या होगा एक्सेंट्रिक मिलेनियर बुक में वर्ड लिखा हुआ है तो आपने क्या करना होगा एक्सेंट्रिक सिनोनिम्स है इसमें आप लिख सकते हैं मैड, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मैड बन जाता है, वैसे इसका आप स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ के साथ आप इसका ऑड भी लिख सकते हैं ओ डबल डी राइट। अभी नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहा हूं आपको, वो है
इम्पल्सिव, आई एम पी यू एल एस आई इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली आई एम पी यू एल एस आई डी एल वाई इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली का मतलब होता है अचानक, अचानक से नाम क्या है जल्दी से तेजी से, राइट, जल्दी से या तेजी से इसकी मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। तो इसका लिखेंगे इम्पल्सिवली का सडनली, सडनली के साथ आप इसका लिखेंगे एब्रप्टली, और एक आप इसका लिख सकते हैं क्विकली, राइट, ये इसके बेसिकली सिनोनिम्स हैं। अब मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव हो रहा हूं, वो है स्कफी, एस सी ओ डबल एफ आई एन जी, स्कफी। स्कफी का मतलब बेसिकली क्या होता है, तंजिया, यानी कि कोई चीज तंजिया अंदाज में कहना, स्कफिंग। और इसका आप लिखेंगे मॉकिंग, एम ओ सी के आई एन जी मॉकिंग, और मॉकिंग के बाद आप इसका लिखेंगे टाउंटिंग, टी ए यू एन टी आई एन जी टाउंटिंग। स्कफिंग की क्या होगी सिनोनिम्स, मॉकिंग। और ये मॉकिंग वो वर्ड है जो जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें कई दफा ये पेपर में रिपीट हुआ है, राइट, और उसके बाद इससे गुस्सा आप क्या लिख सकते हैं टाउंटिंग, राइट। और उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनक्रेडुलस, आई एन सी आर ई डी यू एल ओ यू एस, इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले यकीन, इनक्रेडुलस, नाकाबिले यकीन। तो इसका आप लिख सकते हैं दिस, इसका लिख सकते हैं सस्पिशियस, पी आई सी आई ओ यू एस, सस्पिशियस। उसके बाद डाउटफुल, सस्पिशियस, और उसके बाद इसका लिख सकते हैं आप डाउटफुल। और मजीद जो है नेक्स्ट वर्ड है आपका, वो भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का मतलब क्या होगा, नाराज या हेटर, नफरत। तो आप इसका लिख सकते हैं एनॉयड, एनॉयड के साथ आप इसका लिख सकते हैं डिसप्लीज, और डिसप्लीज के साथ आप इसका डिसलाइक भी लिख सकते हैं। तो डिसगस्टेड का मतलब क्या हो जाता है, बात का नाराज या फिर नफरत के सेंस में ही आता है, राइट। और उसके बाद वर्ड है इंटरप्टेड, आई एन टी ई डबल आर यू पी टी ई डी, इंटरप्टेड। इंटरप्टेड से मतलब क्या, इंटरप्ट का होता है बात काटना, इंटरप्टेड इनके बात काटे, मुदाखलत की, ठीक है जी, इसका क्या होगा, बात काटी या फिर यहां पे आप लिख सकते हैं मुदाखलत की। और इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं कट इन, और इसके साथ आप ब्रोक इन, ये कट इन और ब्रोक इन जो है बेसिकली ये क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं और सिनोनिम्स में कवर हो रहे हैं। और साथ इसका आप मजीद एक वर्ड लिखना चाहते हैं आप ये लिख सकते हैं इंट्रूडिव, इन आई एन टी आर यू डी ई डी, इंट्रूडिव। ये वर्ड्स किसके सिनोनिम्स में आ रहे हैं, इंटरप्टेड के सिनोनिम्स में, राइट। और उसके बाद मैं मूव कर रहा हूं आपको नेक्स्ट वर्ड की तरफ, शगर, एस एच यू डबल डी ई आर, शगर। शगर का मतलब क्या होता है, कांपना, यानी कि थरथरा जाना, राइट। तो शगर क्या लिख सकते हैं, इसका आप लिख सकते हैं ट्रेम्बल, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं शेक, और शिवर भी लिख सकते हैं आप, एस एच ए वी आर शिवर। ये आप किसके सिनोनिम्स में लिख सकते हैं, आप शगर के सिनोनिम्स में। और उसके बाद वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आप लिख सकते हैं ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग और इनके सिनोनिम्स ऑलमोस्ट सेम सेम है, ट्रेम्बलिंग, शगर और ट्रेम्बलिंग, इसके सिनोनिम्स सेम सेम है। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली कांपते हुए, ठीक है जी, क्या होता है इसका मतलब, कांपते हुए या लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए। तो इसका आप लिख सकते हैं स्टैगरिंग, उसके बाद आप इसका लिख सकते हैं शिवरिंग, शेकिंग एक्सेट्रा, राइट, क्योंकि ये वर्ड्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं सारे।
और उसके बाद अभी जो मैं नेक्स्ट वर्ड आपको देने जा रहा हूँ वो बेसिकली आपकी क्या होगी, असाइनमेंट होगी। आपका टास्क होगा वो वर्ड्स व्हाइट बोर्ड में लिख दूंगा, ये उर्दू में मीनिंग्स भी लिखने की ट्राई करूंगा। फिर आपने देखना यह होगा कि जब उर्दू मीनिंग्स भी आपके सामने होंगे और इंग्लिश भी लिखी होगी, इनमें देखना कि आप कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स आपको पहले से आते हैं और कितने से, फिर आपने क्या करना होगा, जो वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे आपने क्या करना होगा, डिक्शनरीज कंसल्ट करनी होगी या किसी भी इंटरनेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो फिर आपको बेनिफिट इसका ये होगा कि जो वर्ड्स हमने लिख दिए हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, इनका सिर्फ लिखने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि जब आपने वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, सर्च आउट करना है, तो सिनोनिम्स को किस तरतीब से आपने लिखना होगा या नोट करना होगा। प्लस ये बात कि जब आप सर्च आउट करेंगे तो कई सारे और नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो वो आपके लाजमी वोकैबुलरी में भी इजाफा करेंगे और आपको एंट्री टेस्ट में भी काफी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएंगे। वर्ड्स दिए जाएंगे और इनके सिनोनिम्स आपने खुद लिखने होंगे। सबसे पहला वर्ड है ऑफेंडेड, इसका मतलब क्या होता है, नाराज। आपने इसके सिनोनिम्स खुद फाइंड आउट करने होंगे और कम अज कम 3 सिनोनिम्स, राइट। और उसके बाद दूसरा वर्ड है वेगली, वेगली का मतलब क्या होता है, गैर वाजे तौर पर, वेगली का मतलब क्या होता है, गैर वाजे तौर पर, राइट। उसके बाद डिस्मे, डिस्मे का मतलब क्या होता है, मायूसी। उसके बाद है फर, इसका मतलब होता है हंगामा, शोर। उसके बाद कंटेम्पचुअस, ये फर। और उसके बाद जो वर्ड है कंटेम्पचुअस, ये रिपीटेडली पेपर्स में आते रहते हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से सर्च आउट करके और इनके मीनिंग्स को और इनके सिनोनिम्स को अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर लेना। हकारत अमेज। और उसके बाद क्या है, शॉविन, इसका मतलब है दिखते हुए। उसके बाद कॉन्शियस, बाखबर। उसके बाद इंडेमिनिटी, तावान यानी कंपनसेशन। उसके बाद क्या है, नमली, गुमसम यानी खामोशी से बिल्कुल चुप हो जाना। उसके बाद वर्ल, वर्ल का मतलब क्या होता है, घूमना। उसके बाद स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए। उसके बाद श्रीकिंग, चिल्लाते हुए। ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके आपके ये बेसिकली असाइनमेंट है, आपका ये टास्क है। आपने खुद से इनको क्या करना होगा, सर्च अप करना होगा, उनके सिनोनिम्स लिखने होंगे। जैसे ही आपकी क्लास का आगाज होता है आपसे ये असाइनमेंट के तौर पर, आपसे ये मतलब टास्क के तौर पर ये आपसे लिए जाएंगे कि आपने ये काम किया है या नहीं। उम्मीद है कि जो आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, पर्टिकुलरली आपके वोकैबुलरी में इजाफा होगा, आपको सिनोनिम्स का पता चलेगा। इसी तरह पेपर में 10 नंबर के जो सिनोनिम्स आते हैं वो इसी तरह पर मेन वर्ड दिया जाता है और उसके आगे उसके मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं उनमें से किसी एक वर्ड को दे दिया जाता है और 3 एमसीक्यूज आपके गलत होते हैं और एक उनमें से ठीक होता है। वो जो ठीक होता है वो इसी वर्ड का क्या होता है, सिनोनिम होता है। और इसी के साथ आज के लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट चीजें पढ़ाएंगे।